आइए जानते हैं क्या है इंदौर के आंख पोर्ट कांड का सच। जी हाँ, अंधत्व निवारण दिवस पर इंदौर में 11 लोगों की रोशनी चली गई और अस्पताल ने एक हफ्ते तक पूरा मामला दबा कर रखा। धार रोड स्थित इंदौर नेत्र चिकित्सालय में 11 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चले जाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 8 अगस्त को इस घटना को अस्पताल प्रबंधन ने 8 दिनों तक छिपाए रखा। 9 साल पहले भी इसी अस्पताल में 18 लोगों की रोशनी गई थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। पीड़ित परिवारों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने के भी आदेश हुए हैं और इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके लिए चेन्नई के शंकर नेत्रालय से एक्सपर्ट डॉक्टर राजू रमन को भी बुलाया गया है जो रविवार को इन मरीजों का चेकअप करेंगे। इधर मरीजों का भी यह कहना है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर चिकित्सालय में 8 अगस्त को राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत 14 मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे। इनमें से 3 को छुट्टी दे दी गई थी लेकिन 11 की रोशनी चली गई। इंदौर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जिन मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं। ऑपरेशन बिगड़ने के बाद से ही इन मरीजों को अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के एक वार्ड में रखा गया था जहां देखभाल के लिए स्टाफ रखा गया था, लेकिन स्थिति यह थी कि इन बुजुर्गों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में लाइट जल रही हो तो भी उन्हें पता नहीं चलता था। कैलाश दास सिलाई करते थे, पति पत्नी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया लेकिन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है। कलेक्टर ने बताया बेहतर इलाज के लिए सभी मरीज दूसरे निजी अस्पताल में भेजे गए हैं। संबंधित अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील करने के लिए भी आदेश हो गए हैं। कलेक्टर लोकेश जालौ का इस मामले में कहना है कि 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। समिति में अपर कलेक्टर कैलाश वनखेड़े, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप गोयल और डॉक्टर आशुतोष शर्मा, इन्हें 2 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अप्रैल से जुलाई के बीच इंदौर नेत्र चिकित्सालय में 386 ऑपरेशन हुए हैं। समिति 3 बिंदुओं पर जांच करेगी कि दवा के कारण संक्रमण हुआ या डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही कारण या ओटी से संक्रमण के कारण। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर बेहद चर्चा इस बात की है कि इस अस्पताल में जब पहले भी इस तरह का कांड हो चुका था तो फिर दोबारा इस तरह की नौबत क्यों आई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।